जब मेरे पास ये बात आई कि फिल्म 10 का टाइटल लिखना है, तो 10 का टाइटल क्या हो सकता है यार, 11-12 क्या करना क्या है। किसी जमाने में बख्शी साहब से एक छोटी सी मुलाकात हुई, तो वो किसी से बातें कर रहे थे कि कुछ सोचना वोचना नहीं पड़ता है, पैदल चलो, अच्छा भीड़ में जाओ, पब्लिक में जाओ, वहाँ खड़े रहो, रस्ते में पड़े होते हैं। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ स्टेशन आने के लिए, पीछे लोग बातें कर रहे हैं, क्या यार तू दी यार इतने दिन से 10 बहाने बनाता है। बख्शी साहब नमस्ते, अच्छा 10 बहाने बनाता है तू, तो वहां से मिल गई, कुछ भी उधारी लेना है या कुछ ऐसा एक पकिया टाइप का कोई लड़का समझो, आपके बिहाइंड बातें कर रहा है, आप बस के इंतजार में खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं, 2005 में रिलीज हुई फिल्म 10 का नाम आते ही वो गाना सबसे पहले जुबान पर आता है, 10 बहाने करके ले गई दिल, ले गई दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल। हमारे साथ पंची जालनवी साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस गाने को लिखा है, स्वागत है आपका। मतलब फिल्म का नाम था 10, तो आपने 10 बहाने करके ले गई दिल, ये थॉट बेसिकली कैसे आया? असल में ये जो 10 लव्स है, ये बिल्कुल नॉन म्यूजिकल लव्स है। अच्छा, मतलब इसमें कहीं पे भी म्यूजिक की गुंजाइश नहीं है इस लव्स में, क्योंकि जितने भी बंद लव्स होते हैं बस, वहां पर ना म्यूजिक को उतना बहुत अच्छा सुर मिलता है, ना बहुत गायकी का स्कोप होता है। तो अब जब मेरे पास ये बात आई कि फिल्म 10 का टाइटल लिखना है, तो 10 का टाइटल क्या हो सकता है यार, 11-12 क्या करना क्या है, परेशानी की बात थी हम सब के लिए 10 का टाइटल लिखना। किसी जमाने में बख्शी साहब से एक छोटी सी मुलाकात हुई, अच्छा, तो मैं तो नमस्ते करके कोने में खड़ा हो गया। अच्छा, आनंद बख्शी साहब, आनंद बख्शी, अच्छा, तो उनका नमस्ते का जवाब भी बिल्कुल बस खाली ऐसे ही था, ऐसे देख लेते थे, तो जो जवाब हो गया, तो वो किसी से बातें कर रहे थे कि कुछ सोचना वोचना नहीं पड़ता है, अच्छा सारे रास्ते पैदल चलो, अच्छा भीड़ में जाओ, पब्लिक में जाओ, वहाँ खड़े रहो, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वहाँ थॉट पड़े होते हैं, अच्छा चलाने होते हैं घर पे। बात तो सही कह रहे हैं यार, अब चूंकि मेरी तो मतलब फिल्म आने वाली है 10, मैंने सारे गाने तो कर दिए, एक गाना बचा है 10 जिसका टाइटल है, तो बख्शी साहब को रेडियो पे सुना करता था, उनकी फिर अब सामने बातें सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए हर लम्हा बहुत कीमती था कि यार ये क्या मुंह से बोले और मैं मतलब ले लूँ उसको। अच्छा, रास्ते में पड़े होते हैं तो रास्ते में होते हैं, आम जिंदगियों में ख्याल पड़े होते हैं, ऐसे एक राइटर की नजर जाती है। किसी तरह से वहां से निकले, बात खत्म हो गई, तो जब 10 का टाइटल आया तो बख्शी साहब का ये पता नहीं क्यों रिकॉल हुआ मुझे, अच्छा उनका ये वक्तव्य, उनकी बातचीत जब रिकॉल हुई, तो पता नहीं बात सही कह रहे थे, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ स्टेशन आने के लिए, मीरा रोड रहता था, पीछे लोग बातें कर रहे हैं, क्या यार तू दी यार इतने दिन से 10 बहाने बनाता है। बख्शी साहब नमस्ते, अच्छा 10 बहाने बनाता है तू, तो वहां से मिल गई, कुछ भी उधारी लेना है यार, ऐसा एक पकिया टाइप का कोई लड़का समझो, आपके बिहाइंड बातें कर रहा है, आप बस के इंतजार में खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं, वहां से मैं बुजुर्गों की बातें देखी, बिल्कुल कि कहां पर मैंने कितने साल पहले एक बात सुनी, बादशाह लिरिक्स का, उससे कभी कोई बात सुनी थी, ऐसे पड़े होते हैं थॉट्स, उठाना पड़ता है। वहां से मैं स्टेशन पहुंचा और फिर बड़ी थकान हो जाती, मीरा रोड पहुंचा, घर पहुंचा, तो बात खत्म हुई। अब मेरे पास फोन आया 11 बजे, कुछ हुआ? अरे मैंने कहा इसके होगा तो इस आप से ज्यादा बेचैन मैं हूँ वापस करने के लिए। तो
इस तरह से ये ख्याल मुझ तक पहुंचा, दस बहाने के ख्याल तक, और एक बार आपको रास्ता मिल जाए हाँ फिर तो चलना आसान। बिल्कुल, वो स्वेटर की धड़ी होती है ना, एक खुला तो फिर दो तीन धड़ 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 धड़। हाँ, रास्ता ढूंढने में वक्त लगता है। बिल्कुल, तो इस तरह से दस बहाने। अब दस बहाने फिल्म में रखे कहाँ, कोई जगह ही नहीं है, एडिट हो चुकी है। तो वो स्टार्ट बिगनिंग का जो स्क्रॉल टाइटल उसमें डाल। अच्छा, पता है जब जावेद साहब का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसमें उन्होंने है ना 1 2 1 2 3 4 5 6 7 उनको डायरेक्टर ने कहा दादा दा, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ा दिया 13 करोड़ दिन की। हाँ, 13 करोड़ दिन के इंतजार, आजा सनम आई बाहर। वही चीज मुझे जब भी मैं 10 को सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही वही मतलब बातें याद आती हैं कि यार 10 शब्द है, एक टाइटल है, वो 10 बहाने करके ले गई दिल। जबकि इससे पहले वाली मुकुल आनंद की जो 10 थी, हाँ, उसमें कोई टाइटल सॉन्ग नहीं था ना, उसमें वो गाना बहुत हिट था, सुनो गौर से दुनिया वाले, हाँ वो गाना था। पर टाइटल सॉन्ग क्यों नहीं था, वो भी बहुत मगर रिलीज हुए पॉपुलर गाने। बिल्कुल, 10 पर गाना ले लो, ये अपने आप में एक ऐसी बात है, हाँ, कि जैसे खुद को मतलब चैलेंज सी बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, तो 10 का टाइटल। अब अच्छा, उसमें जो गाना विशाल शेखर ने भी उसमें दे रे दे, वो जो ऐसे ही शब्द हैं, क्या है वो एक्चुअली एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप। हाँ, तो ये सब लाइनें थी या वो ये सब हमारे गाने का हिस्सा नहीं था। जब मैं लिरिक्स लेके गया, हाँ, तो गाने की जो मेन मेलोडी है वो हमसे डिस्कस हुई, मुखले की अंतरे की, दोनों अंतरे की। वो डिस्कस होने के बाद एक दिन ये हुआ कि चल आज मिलना है यार, वो जो भी चेंजेस हैं वो सब कर लेते हैं। तो पूरा ट्रीटेड गाना विशाल ने सुना। अच्छा, हम लोगों को, मैं तो परेशान हो गया कि यार कागज पेपर से निकल के गाना कहाँ कंप्यूटर के अंदर चला गया और क्या बन गया। हाँ, हाँ। सब हैरान थे, मतलब वो लोग इतने काबिल लोग हैं कि उन्होंने ऐसे गाने को बनाया कि उस वक्त ही स्टूडियो के अंदर ही हिट हो गया था ये गाना, है ना। इतनी उम्मीदें हम लोग लगा चुके वो सर, हे ना हे ना, ये सारी चीजें बाद में ऐड की गई, ये सारी चीजें बाद में, जैसे आई लुक एट यू, यू लुक एट मी, ये सब मेलोडी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन वो जो हुआ है वॉइसिंग, जिसको कह सकते हैं, हाँ, वो तो उसने भी गाने में चार चांद रिकॉर्डिंग के समय की कोई कहानी किस्सा। देखिए, रिकॉर्डिंग के समय की जितनी भी कहानियां हैं प्रवेश साहब, ये तमाम कहानियां मैं सुनने के पोजीशन में था सर। अच्छा, क्योंकि मैं एक तरफ तो मेरा डर ये भी था कि मैं कहीं कोई ऐसी गलती ना कर बैठूं कि मतलब मेरा ब्रेक है, मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ। तो बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं उनमें से आधी चीज़ों से बेखबर था। इनफैक्ट तीसरे गाने में, फिल्म के तीसरे गाने में मुझे पता ये चला कि इस फिल्म में इसकी स्टार कास्ट क्या है। अच्छा, जब हंसी का गया एक शादी वाला गाना है, तो एक शादी वाला गाना है, वो कौन सा गाना था, छम से हुआ जाए। हाँ, तो उसमें संजय दत्त आता है, तो दिया मिर्जा फ्लैशबैक में जाती है, तो अभिषेक और मैं समझा मिसाल देने के लिए, गाना समझाने के लिए ये बातें हो रही हैं। हाँ, उन्होंने उनके मकबूल साहब को बुलाया, अनुभव साहब के चीफ असिस्टेंट एसोसिएट। मैंने कहा ये जो गाना समझाया जा रहा था इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ, संजय दत्त आता है, ये सब समझाने के लिए फिल्म है। अच्छा, तो वो कहने लगे कि तीन गाने आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं और आपको ये नहीं पता इस पिक्चर में है कौन। मेरा हाल ये था कि इतना ही मेरे लिए काफी था कि मैं अनुभव सिन्हा की पिक्चर लिखा, और विशाल शेखर साहब के साथ गाने आएंगे और अनुभव सिन्हा साहब डायरेक्टर है। इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अच्छा, कभी। और मैंने जब तीसरे गाने की नरेशन सुनी, तब मुझे पता चला मैं जिस फिल्म में गाने लिख रहा हूँ उसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन। हाँ,
मैंने मैंने एक कहानी सुनी है कि आप पंकज कपूर साहब से ऐसे किसी इवेंट पे मिले, आपने उनसे कहा कि मैंने 10 में काम किया, उन्होंने आपसे पूछा आपने क्या किया, फिर वो गुनगुनाने लगे गाना। थोड़ा सा बताएं अगर दर्शकों को। पंकज साहब से मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात थी। मैं पहले दर्शकों को बता दूं, पंकज कपूर साहब इस फिल्म में बहुत ही अहम किरदार निभाया था और विलन थे इस फिल्म में, खलनायक जी। कहानी आपकी, तो हमारे 10 के प्रीमियर में इसमें उसमें का कुछ मुलाकातें पहले से हो रखी थी, तो मुझे द क्लब में वो किसी फंक्शन में आए हुए, काफी टाइम के बाद फिल्म रिलीज से, काफी टाइम रिलीज के बहुत साल के बाद, अच्छा 6-7-8 साल के बाद, अच्छा तो वो आए तो मैंने हाई किया, तो वो उनको मैं रिकॉल नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छी तरह याद नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं पंछी जालौनी हूँ और मैंने 10 फिल्म में काम किया है। हाँ। तो वो गाना गुनगुनाने लगे, मुझसे बेहतर, खैर मुझसे बेहतर तो कोई नहीं गुनगुना सकता लेकिन इतना मुझे खुशी हुई कि चलो मैं मेरे नाम से लोगों के जहनों में नहीं हूँ, तो कम से कम मेरे काम से मेरे जहनों में लोगों के, बिल्कुल, तो बहुत खुशी हुई और इतना मैं तो उनका मतलब जी बिल्कुल। एक चीज़ है लेकिन कि कई बार फिल्मों के गाने बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हमेशा याद रहते हैं, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि किसी गाने का टाइटल ट्रैक हो जो स्क्रोलिंग में चल रहा हो और वो इतना बड़ा सफल हो, है ना। ये भी एक करिश्मा, हाँ, स्ट्रेंथ और करिश्मा और डेस्टिनी, बिल्कुल, गाने का एक बर्थ मूवमेंट होता है और वो बर्थ मूवमेंट जब होता है तो वो गाना अपनी किस्मत अपनी डेस्टिनी लेके पैदा होता है, बिल्कुल। मैं बेशुमार गाने ऐसे जानता हूँ मेरे खुद के भी, हाँ, जिनका 30 सेकंड का प्रोमो भी नहीं बना कभी, अच्छा, लेकिन आज वो गाने जिंदा है, पॉपुलर है, लोग जानते हैं, बिल्कुल। इस गाने का भी रीमेक भी बन गया इतनी जल्दी, 15-17 साल में रीमेक बन गया, और मैं ऐसे बहुत कम लिरिक्स राइटर को जानता हूँ जो अपने गाने का रीमेक नेक्स्ट जनरेशन के लिए खुद लिखे, बिल्कुल। चलिए पंछी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कहानियों को हमारे साथ शेयर करने के लिए।